नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 30 जून सन 2021 और जैसा कि आप जानते हैं, आज का महीना का अंतिम दिन है। तो हम लोग इस समय एक भक्ति श्रृंखला पर काम कर रहे थे। हम आपको एक भक्ति श्रृंखला शुरुआत की थी जिसके 4 भाग सुना चुके थे और 5वां भाग आज सुनाना है। तो आज का जो विषय है कि भागवत कथा का, भागवत का निर्माण कैसे हुआ, भागवत कथा क्या है, ये बात हम आपको बताएंगे। नारद जी ने भागवत कथा का इंतजाम किया है, व्यवस्था की है उन्होंने, उनके सौजन्य से ये कथा अपने असली रूप में आ पाई है। और इसका प्रयोजन है जो भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं, उनको हष्ट पुष्ट करना, जिससे कि कलयुग का कार्य आगे बढ़ सके। तो सब लोगों ने, जब हम लोग ये बात कर चुके थे कि सभी लोगों ने अपना आसन ग्रहण कर लिया था, आसन ग्रहण करने के बाद भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा हुई, रंग अबीर गुलाल चारों ओर खूब उड़ा, फूल उड़ाया गया, मोती उड़ाए गए, देवताओं ने आसमान से पुष्पक विमान में बैठ के पुष्प वर्षा की, शंख बजे, घड़ियाल बजे, घंटियां बजी, घंटे बजे, खूब जयकारे लगाए गए भगवान के और उसके प्रकार से पूजा संपन्न हुई। तो जब पूजा संपन्न हो गई तो सभी लोग शांत होकर बैठ गए, तो सनकादि मुनि ने श्रीमद्भागवत का महत्व बताते हुए कहा कि इसके तो सिर्फ श्रवण से ही आदमी को मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि जो हिंदू धर्म को मानता है, कि वो प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो एक ही श्लोक पढ़ ले, आधा श्लोक ही पढ़ ले, और अगर किसी से श्लोक सुन मिले तो भी उसको उसका लाभ पूरा मिल जाएगा। तो इसके बाद इसी संदर्भ में एक जगह बातचीत आई, वो नारद जी ने उसका वर्णन किया सनकादि मुनि ने, कि एक की जिस समय भगवान कृष्ण जो थे अपनी पृथ्वी लोक की का समय पूरा करने के बाद वैकुंठ धाम जाने के लिए तैयार थे, तो उनके जो भक्त थे, उद्धव मित्र थे एक तरह से, वो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान आप चले जाएंगे तो ये तो कलयुग है, यहाँ तो और अत्याचार बढ़ जाएगा, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम कैसे चलेंगे, हमारे यहाँ पे सब तरफ पापियों का राज हो जाएगा, देख रहे हैं कि कलयुग का क्या है, कलयुग के विषय में तो आपको सब कुछ पता है, आप यहाँ से चले जाएंगे तो और भी सर्वनाश हो जाएगा, कैसे भले लोग यहाँ पर रख सकेंगे, कैसे ऋषि मुनियों के यज्ञ हो सकेंगे, कैसे पूजा हो सकेगी, कैसे भगवान के विग्रहों को हम लोग जो है भगवान मान के उनकी पूजा कर सकेंगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं, मैं कण कण में हूं, मैं सब जगह हूं, मैं सब जगह निवास करता हूं, जो मुझको याद करता है मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, लेकिन अब यह है कि मैं जा रहा हूं और ये देखो, उन्होंने फिर एक पुस्तक बनाई, एक पुस्तक दी उनको, वो उसका वही भगवत गीता है और एक ज्योति के रूप में भगवान श्री कृष्ण उसी में समा गए और उन्होंने कहा कि अब मेरी जो पूजा होगी, मेरी मूर्ति विग्रह की पूजा तो होगी ही होगी, और मेरा जो महत्व है और मेरा जो महत्व है इसको जो पढ़ेगा उसको मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा, पढ़ेगा या सुनेगा उससे मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। तो ये तो बात हो गई कि श्री भगवद गीता जो है भगवान का एक रूप है। अब भक्ति देवी बैठी हुई थी वहाँ पर, उन्होंने सनकादि मुनि से पूछा कि भगवान आपने हमको हस्तपुष्ट कर दिया, हमारे पुत्रों को भी हस्तपुष्ट कर दिया, लेकिन हम रहेंगे कहाँ पर, कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है कि तुम युवती हो और खूबसूरत भी हो, तुम भगवान के प्रिय भी इसीलिए हो, तुम्हारे में भगवान का अंश भी है, उन्होंने तुमको दे रखा है भक्ति के रूप में, और इसलिए तुम उस व्यक्ति के सबके हृदय में निवास करोगी, तुम सबके हृदय में निवास करोगी, तो जो कलयुग है और जो दुष्ट लोग हैं
उनकी निगाह तुम पर नहीं पड़ेगी। जो भी भगवत भजन करेगा उसको तुम्हारी जो भक्ति है वो भक्ति होगी होगी, उसके हृदय में बैठे होंगे तो भगवान प्रफुल्लित होंगे। जो भक्ति को स्वीकार करेगा, भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा तो भगवान भी उसके हृदय में निवास करेंगे। इस तरह से तुम्हारा स्थान लोगों के हृदय में होगा। तो इसके आगे जब नारद जी ने सनकादि से पूछा कि श्रीमद् भगवत को सप्ताह यज्ञ से जब होगा, 7 दिनों में जो उसका यज्ञ होगा और 7 दिनों में ही वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसमें जो है कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उसका लाभ कौन कौन लोग उठा सकते हैं, कृपया आप सनकादि मुनि आप ये बताइए, हमारी ये जिज्ञासा है, जिससे कि पृथ्वी लोक के लोग सब लोग उससे लाभान्वित हो सकें, जिन जिनको ये उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आप परमिट करेंगे, आज्ञा देंगे, वो लोग ही इसमें शामिल होंगे। तो इसके बाद की कथा, आज हम कथा को इसी जगह पर यहाँ पर विराम दे देते हैं। कल का जो विषय होगा, कल हम उसमें ये बताएंगे कि भागवत कथा में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं और शामिल होने पर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ सबको नहीं मिलेगा, कुछ विशेष लोगों को ही मिलेगा, जो ये बात अब हम इस पर चर्चा कल करेंगे। तो आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं इसके साथ कि कृपया अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो कोविड के जो नियम हैं उनका सभी का पालन कीजिएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके विषय में अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव हमको प्रेषित कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो भी शेयर करें, जिससे कि हमारी ये जो भक्ति श्रृंखला है, ये विशेष रूप से है, ये छोटे छोटे रूपों में है, लोगों को इसको सुनने में आसानी होगी। अगर एक दिन में वो छोटा सा 5 या 7 मिनट का भी वीडियो सुन लेंगे तो प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।